क्या साउथ के स्टार अल्लू अर्जुन का दिल आ गया है चमचमाती बाइक पर? क्या एक बाइक की वजह से उन्हें पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़े? और क्या अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्म आइकॉन को फिलिपोनो फिल्म कित्ता कित्ता का रीमेक बताया जा रहा है? अल्लू अर्जुन, जिनको फैंस प्यार से बनी भी बुलाते हैं, आजकल काफी चर्चाओं में चल रहे हैं और इन चर्चाओं के हिसाब से उनका आमना सामना काफी बार पुलिस स्टेशन और पुलिस वालों से हो रहा है। तो क्या ये सब अफवाह है या उनके खिलाफ कोई साजिश? तो आपको बता दें कि डरने की कोई बात नहीं, मामला चाहे पुलिस का ही क्यों ना हो, लेकिन ये कोई असली पुलिस नहीं है बल्कि फिल्मी पुलिस है जो बनी को पकड़ने में तुली है। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि क्यों? अल्लू अर्जुन की जल्द ही दो बड़ी फिल्में आने वाली है जिसमें वो ग्रे किरदार निभाने वाले हैं, जहाँ एक तरफ तो तेलंगाना के जंगलों से चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग करते दिखेंगे, वहीं दूसरी फिल्म में वे चोर की बाइक के पीछे थानों के चक्कर लगाते हुए दिखाए जाएंगे। अल्लू ने हाल ही में एक और फिल्म साइन की है जिसके पोस्टर भी छप चुके, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म के पोस्टर से इस फिल्म का पोस्टर काफी अलग है। पोस्टर को देखकर कुछ ठीक से बताया नहीं जा सकता कि फिल्म किस बारे में होगी, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि फिल्म का नाम आइकॉन होगा। 2019 में अल्लू अर्जुन ने 36वें जन्मदिन के अवसर पर दिल राजू एंड कंपनी ने ऑफिशियल तौर पर 27 साल के साथ अपने चौथे प्रोजेक्ट आइकॉन की घोषणा की थी। फिल्म को मशहूर डायरेक्टर वेणु श्रीराम डायरेक्ट करने वाले हैं। अल्लू की फिल्म अल्लाह वेंकट पुरुमुल्लू के पूरे होने के बाद ही आइकॉन की शूटिंग शुरू होनी, लेकिन किसी कारणवश इसका काम रोक दिया गया। लेकिन अब फिल्म के डायरेक्टर वेणु श्रीराम, जो वर्तमान में पवन कल्याण के साथ वकील साहब कर रहे हैं, ने कहा कि अल्लू अर्जुन के साथ ये फिल्म बहुत जल्दी आएगी और उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट के चलते उनकी बनी से बात होती रहती है। अपनी जल्द आ रही डायरेक्टेड फिल्म वकील साहब के बारे में बोलते हुए वेणु श्रीराम ने कहा, वकील साहब एक सामाजिक नाटक है जो महिलाओं के नैतिक न्याय और सपष्ट शारीरिक नुकसान के बारे में बात करता है। अल्लू को स्टाइलिश अल्लू अर्जुन के नाम से भी बुलाया जाता है। अपने स्टाइल से सबके होश उड़ाने वाले ये स्टार इस बार काफी अलग लुक में दिखने वाले हैं। फिल्म आइकॉन में उनके लुक की बात की जाए तो फिल्म के कुछ पोस्टर्स में अल्लू को स्टाइलिश चश्मा लगाए बाइक पर बैठे कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे। फैन में अल्लू का इतना क्रेज है कि हाल ही में अल्लू जब हैदराबाद अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे, जहाँ ये खबर उनके फैंस को भी पता चल गई और बस फिर क्या था, उनके फैंस ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और एक्टर को शूट पर पहुंचने से करीब 2 घंटे और लेट करवा दिया। अगर आपको नहीं पता हो तो बता दें कि अल्लू अर्जुन के बेस्ट फ्रेंड बाहुबली फेम प्रभास दोनों को काफी बार कई शोज में एक साथ मस्ती करते हुए भी देखा गया है। वहीं दिल राजू अल्लू अर्जुन और प्रभास को एक फिल्म के साथ लाने की योजना बना रहे हैं। वह दोनों एक मल्टी स्टार फिल्म में शामिल करने वाले हैं। अल्लू अर्जुन फिलहाल सुकुमार द्वारा डायरेक्टेड फिल्म पुष्पा में शूटिंग में बिजी है। वहीं इस फिल्म के जल्द बाद ही वो कोर्टला शिवम की एक्शन फिल्म #AA21 करेंगे। तो लगता है आइकॉन के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा उनका 2020 को कैलेंडर तेलुगु और मलयालम फिल्मों से भरा हुआ है। आइकॉन में जहां अल्लू के लुक का अभी तक ठीक से पता नहीं चल पाया, लेकिन बनी ने फिल्म का पोस्टर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फैंस के साथ जरूर शेयर किया है। पोस्टर में एक शहर दिखाया जा रहा है जिसमें एक बाइक पर बैठा नौजवान कहीं जा रहा है। बैकग्राउंड में फिल्म का नाम भी बड़े शब्दों में लिखा हुआ है। फिल्म के बारे में यह बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी एक चोरी की बाइक है, इसलिए पोस्टर में भी बाइक दिखाई जा रही है। अल्लू अर्जुन इस बाइक की वजह से पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते हुए दिखेंगे। अब क्या है यह बाइक और क्या है इसका सच, यह तो मूवी देखने पर ही पता चलेगा। फिल्म की फिलिपिनो फिल्म कीटा कीटा का रीमेक भी बताया जा रहा है। वहीं आइकॉनिक नाम से एक हॉलीवुड फिल्म भी है, तो यह किस फिल्म की रीमेक होगी या फिर यह कोई ओरिजिनल स्क्रिप्ट है? लेकिन फिल्म में हीरोइन कौन होगी? क्या आइकॉन में अल्लाह वेंकट पुरुमुल्लू में रही उनकी हीरोइन पूजा हेगड़े उनका एक बार फिर से साथ देगी या फिर एक नई हीरोइन की होगी फिल्म में एंट्री? तो दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि फिल्म में अल्लू अर्जुन की हीरोइन और कोई नहीं बल्कि मलर की दिशा पटानी होगी। तो कैसा लगा आपको ये साउथ नॉर्थ का कनेक्शन? दिशा पटानी ने हाल ही में एक लाइव सेशन में अल्लू अर्जुन के गाने के बारे में बात की थी और ये भी बोला था कि वो अल्लू की फैन है और उनकी एक्शन फिल्में पसंद करती हैं। तो क्या ये बात उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म आइकॉन को ध्यान में रख के कही या फैंस को इस फिल्म के लिए कोई हिंट दिया? आपको क्या लगता है, क्या यह एक महज इत्तेफाक है या फिर फिल्म को प्रमोट करने का नया तरीका? फिल्म के पोस्टर को देख के क्या बता सकते हैं कि फिल्म किस बारे में हो सकती है और फिल्म में अल्लू अर्जुन और दिशा पटानी के अलावा कौन से सितारे देखने को मिलेंगे? हमें अपने जवाब कमेंट में लिख कर भेजें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है सिमरन रावत ने।